जो भी हमने वर्ल्ड वाइज जो जो भी हमको दिया गया था उसको हमने क्या किया, पूरा इंफॉर्मेशन उसका कलेक्ट किया और टीचर को सबमिट कर दी, टीचर को सबमिट कर दिया। तो ये जो फंडा था ना, ये कलेक्शन वाला, इसको क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बेरियम बोलते हैं। यानी कि जितने भी वर्ल्ड के अगर कोई भी, अगर बहुत सारे ऐसे स्पेसीज होते हैं जहां से क्या करना पड़ेगा हमको, एक जगह अगर ला के रखना पड़ेगा, अगर कोई भी अगर चीज जाती है, अगर हम जाते हैं कोई भी अगर इसमें हर्बेरियम म्यूजियम में अगर जाते हैं, तो वहां पर आपको सिर्फ वो क्या खोलना पड़ेगा, पत्ते खोलना पड़ेगा, पत्ते खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस टाइप का ये है, इस कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, ये फीमेल है क्या, फीमेल है, कौन सा फाइलम है, इसमें फ्लावर आते हैं क्या, नहीं आते, ये सब जो इंफॉर्मेशन मिलेगी ना हमको, तो वो कौन से फाइल में से मिलेगी, वो हर्बेरियम फाइल में से मिलेगी। क्या मिलेगी? हर्बेरियम फाइल में से मिलेगी। सो ऐसे जो हर्बेरियम, जैसे हम लाइब्रेरी होती है, हमारी लाइब्रेरी होती है जहाँ में सभी के हमको क्या स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं, हाँ ना, लाइब्रेरी का वही काम है कि नहीं, हाँ ना, यस सर। लाइब्रेरी, हाँ, जैसे लाइब्रेरी होती है वैसी हर्बेरियम की भी लाइब्रेरी होती है। सो कैसे होती है, देखो, अगर मान लो मेरा एक बुक था, प्रोजेक्ट बुक था, मेरा एक प्रोजेक्ट बुक था, यानी कि हाफ हाफ ऐसा वाला, ऐसा फोल्ड वाला, मैंने क्या किया, मुझे मैंगो, यहाँ पर मुझे मैंगो, मैंगो का अगर यहाँ पर मैंने निकाल दिया, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वो वाला ऐसा वाला मैंगो का, उसको ड्राई किया और यहाँ पर ऐसे चिपका दिया, और उसका जो लेबलिंग था ना, मैंने राइट साइड में यहाँ कॉर्नर में लिख दिया, जैसे मैंने डेट लिखी, इस पेड़ का नाम क्या है वो लिखा, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है ये लिखा, और जब फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग, जो भी सब मैंने इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट की ना, इस फाइल में की, क्या की, इस फाइल में की, इसी फाइल को अगर कहा, इसी फाइल को क्या कहा जाता है, हर्बेरियम क्या होता है, समझ में आ गया हर्बेरियम मीन्स क्या होता है? वो आपने भी किया होगा अपनी जिंदगी में, 101% क्या है, किया है कि नहीं? एक किसलिए किया जाता है पता है आपको? अगर हमारे जीवन में ऐसे कुछ भी अगर सिचुएशन आती है, जैसे हमको पता था पहले के सेंचुरी में क्या थे, डायनासोर थे, लेकिन अभी हमको पता नहीं कि वो जीवित है या नॉन जीवित, अब सभी तो बोलते हैं कि जीवित नहीं है, जीवित नहीं है, हाँ ऑब्वियसली नहीं भी है, तो सो हमको डायनासोर ऐसे ऐसे थे, हमको कैसे पता चला रे, कैसे पता चला? यस प्रथमेश, कैसे पता चला बेटा, पॉसिबल कैसे रे, बोलो ना रे थोड़ा। पॉसिबल फॉसिल्स, कहाँ से? फॉसिल्स पॉसिबल से, हाँ फॉसिल से हमको पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा डायनासोर भी हो सकता है। अगर ऐसे हमारे जो पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती रहेगी ना, तो हम क्या करते हैं, प्लांट को काट देते हैं, तो कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स भी होंगे जहाँ की क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, लुप्त लुप्त होते जाएंगे। अगर उनकी अगर हमको स्टडी करना है, तो कहाँ पर जाके करना पड़ेगा, हर्बेरियम में जाके करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हर्बेरियम के, अगर ऐसा एक प्लांट है, मानो वो अमेरिका में एक ऐसा एक प्लांट है जो कहां पर भी नहीं मिलता, कोई और जगह नहीं मिलता, सिर्फ अमेरिका में ही पाया जाता है, अगर हमको उस प्लांट की अगर स्टडी करने, क्या हम अमेरिका जाएंगे उस प्लांट की स्टडी करने के लिए? नहीं। उतना खर्चा है हमारा कि हम अमेरिका जाकर उस प्लांट की, सिर्फ ओनली प्लांट की स्टडी करने के लिए जा सकते हैं? घूमने का बोलो तो सर, हाँ हम घूम सकते हैं, घूम सकते हैं, घूमने में हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओनली स्टडी के लिए वहां जा सकते हैं क्या अमेरिका में हम? बोलो नहीं। नहीं। तो अगर जो वो स्पेसिफिक प्लांट था, अगर उसका अगर हमको कुछ भी डेटा कलेक्ट करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, हर्बेरियम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हर्बेरियम में जाएंगे, वहां जाके हम क्या करेंगे, उस प्लांट की पूरी क्या कर लेंगे, आइडेंटिटी निकाल लेंगे। तो देखो हर्बेरियम क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, स्टोर एक ऐसा हाउस होता है जहां पर प्लांट का क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, स्पेसिमेंस, दैट आर स्पेसिमेंस दैट आर डाइंग,
ब्रायर प्रिजर्व प्रिजर्व एंड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व सर डायर्ड मतलब एक मिनट एक प्रेस एंड प्रिजर्व प्रिजर्व देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी स्टोर हाउस एक ऐसा हाउस होता है हर्बेरियम में ऐसा एक हाउस होता है जहां पर प्लांट का कलेक्शन किया जाता है जो वेरियस टाइप्स के स्पेसिमेन प्लांट के वेरियस टाइप्स के स्पेसिस होते हैं उसका कलेक्शन किया जाता है उस जब उसका कलेक्शन किया जाता है कौन सी टर्म उसको उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ती है डायर डायर यानी कि मीन्स उसको क्या करना पड़े अगर हमने किसी ब्रांच को अगर तोड़ दिया तो उसको ड्राई करना यानी कि ड्राई करना यानी कि उसको सुखाना क्या करना पड़ता है उसको सुखाना पड़ता है प्रिजर्व यानी कि उसको क्या करना प्रेस था जब उसको हमने सुखा लिया तो उसके ऊपर कुछ तो ऐसे प्रेस करके उसको रखना पड़ता है उसके बाद उसको एक शीट होती है उस शीट में जाके उसको प्रिजर्व करना होता है प्रिजर्व करना होता है। देखो मैंने आपको बोला था अभी एक शीट निकाली मैंने क्या किया पहला एक आम का ब्रांच तोड़ के लेके आया उसको मैंने क्या किया ड्राई किया क्या किया ड्राई किया उसके बाद उसको मैंने क्या करके रख दिया प्रेस करके रख दिया और जब वो प्रेस एंड ड्राई दोनों भी मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसको मैंने क्या किया प्रिजर्व करके रख दिया किसके अंदर शीट के अंदर किसके अंदर शीट के अंदर ये होता है हमारा हर्बेरियम। ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे शीट मिलेंगे ऐसे बहुत सारे हमारे शीट मिलेंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई।